हमारे एफएफएसी के प्लेइंग का ग्रुप बी का मैच हो चुका है और टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट और पीवीएस गेमिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए। आप बैकग्राउंड में पॉइंट टेबल देख सकते हो। पहले नंबर पे सीजीजीजी, दूसरे नंबर पे जीपीएक्स, छठे नंबर पे टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट, आठवें नंबर पे पीवीएस गेमिंग। और गाइस, अब जो 9 साल की ऑडियंस होगी वो टीजी और पीवीएस गेम को बहुत ज्यादा हेट भी देगी और बहुत ज्यादा गाली भी देगी, बट जो टीजी और पीवीएस गेम की रियल ऑडियंस होगी, जो उनको बहुत ज्यादा लव करती है और बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, तो वो उनको अभी भी सपोर्ट करेगी और अभी भी मोटिवेट करेगी। गाइस, आप लोग खुद सोचो, टीजी, पीवीएस गेमिंग, देसी गेमर, ई स्पोर्ट के ऊपर कितना सारा प्रेशर था। पहला प्रेशर, वो इंटरनेशनल टीम के खिलाफ खेल रहे हैं और आप लोग को पता होगा इंटरनेशनल टीम के पास तो अपने कोचेस भी हैं। दूसरा प्रेशर, वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इंडिया के नाम से खेल रहे हैं। तीसरा प्रेशर, अगर वो हार जाएंगे तो 9 साल की ऑडियंस उनको हेट देगी। इतने प्रेशर के बाद भी वो टीम इतना अच्छा खेल लिया, आप लोग को और क्या चाहिए। बस मेरे को लास्ट में आप लोग से ये बोलना है, आप लोग टीजी, पीवीएस गेमिंग, देसी गेमर, ई स्पोर्ट, इनको इतना ज्यादा सपोर्ट करो ताकि ये अगले टूर्नामेंट में और ज्यादा अच्छा खेले और हमारे कंट्री का नाम और ज्यादा रोशन करे और जो हमारा ई स्पोर्ट ग्रो हो रहा है उसको और ज्यादा ग्रो करे और हमारी कंट्री को टॉप में पहुंचा दे।